ये 402 में सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर सी, एडुकेशन इन एंशियंट इंडिया, एडुकेशन उनका एम एंड नेचर, उनका लक्ष्य और उसके स्वरूप के संबंध में बता रहे थे। तो उसके उद्देश्यों को तो बता चुके हैं, किस प्रकार के प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। आज हम लोग वो स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये स्वरूप देखो, जिसमें तुम लोगों को बता चुके हैं कि किस प्रकार की उसकी क्या विशेषताएं थी, कैसे ये वो जो शिक्षा के लिए जो आवश्यक, कैसे उपनयन संस्कार के बाद किस प्रकार शिक्षा में प्रवेश बालकों और बालिकाओं को मिलता था, और उसके बाद ही गुरुकुल में उनको प्रवेश मिल सकता था, और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति प्राचीन काल में प्रचलित थी बालकों के लिए भी और ये बालिकाओं के लिए। यद्यपि उसके संबंध में कुछ और भी मत हैं जिनके संबंध में हम बताएंगे जब नारी शिक्षा के बारे में बताएंगे। तो आज हम लोग देखें कि पाठ्य विषय क्या थे, सिलेबस हम लोग देखें कि प्राचीन भारत में पाठ्यक्रम क्या था, कौन से विषय पढ़ाए जाते थे। देखो ये चारों वेद तो थे ही, चारों वेदों के अतिरिक्त वो तो पढ़ना ही था उन्हें, उनके ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनका तो अध्ययन करना ही था, पाठ करना ही था उन्हें रोज। उसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त हम लोग देखें कि ऐतिहासिक काव्य, उनका भी उन्हें उन्हें अध्ययन कराया जाता था, पौराणिक भाषाएं भी उन्हें सिखाई जाती थी, और वीर काव्य, वीर रस से परिपूर्ण जो काव्य ग्रंथ थे उनका भी उन्हें अध्ययन कराया जाता था। और वेदों से, ये ऐसा माना जाता है कि वेदों से ही समस्त ज्ञान का आरंभ हुआ है, वही उसकी उत्पत्ति का मूल है। तो वेदों के जो उसके साथ जुड़े हुए वेदांग हैं, 6 वेदांग, उनका भी अध्ययन विद्यार्थी करते थे गुरुकुल में। तो वो वेदांग कौन कौन से, षड षड अंग कहा जाता है, 6 अंग हैं वेदों के। तो उसमें क्या क्या है, 6 अंग क्या क्या हैं? एक है शिक्षा, शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त, छंद और ज्योतिष, छंद और ज्योतिष, ये 6 हैं जो कि वेदों के अंग माने जाते थे, जो उन्हें जिनका उन्हें अध्ययन करना पड़ता था। तो इसको क्या कहें, इसको हम लोग देखें। देखो शिक्षा, इसका इंग्लिश हम बता दे रहे हैं, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वैसे ये को, कि शिक्षा का ये क्या हुआ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल सही उसका उच्चारण होना चाहिए, वो एक शिक्षा हुआ। निरुक्त हुआ जो कि वो उसका जो इंटरप्रिटेशन, जो उसकी व्याख्या जो है, वो उसकी व्याख्या, उसको एटिमोलॉजी कहते हैं, एटिमोलॉजी, उन शब्दों की व्याख्या। उसके अलावा निरुक्त, ये नहीं, निरुक्त तो हो गया। उसके बाद व्याकरण, व्याकरण ग्रामर है, व्याकरण ग्रामर, ज्योतिष है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष। तो और ये छंद जो है, छंद अभी ये व्याकरण का एक भाग है। तो ये जो 6 ये थे, इनका अध्ययन कराया जाता था, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, और मंत्र और सूक्त जो थे, इससे क्या होता था, बिल्कुल सही उच्चारण करना है संस्कृत के, ये जो जिसका भी वो पाठ कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृत हो या प्राकृत हो, यही दो मुख्य रूप से दो भाषाएं उस समय प्रचलित थी, उनका सही उच्चारण होना चाहिए। उसके अलावा सही उसका व्याकरण, उसकी सही जानकारी होनी चाहिए। अच्छा कल्प है, कल्प का हो गया परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, कल्प कहते हैं जिस तरह से वो जो यज्ञ कैसे संपन्न कराए जाते हैं, उसकी विधि को बताया जाता है कल्प के द्वारा, तो वो कल्प के द्वारा यज्ञ करने की विधि। व्याकरण तो व्याकरण है, यानी सही सही उसके सारे क्या कहें, शब्दों और भाषा को सही लिखने की विधि व्याकरण के द्वारा। और निरुक्त जो था, निरुक्त है उसका, उसकी व्याख्या, शब्दों की व्याख्या, ठीक है, उसकी सही सही व्याख्या। और ज्योतिष हो गया एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी वो जो ज्योतिष विज्ञान, ये प्राचीन काल से भारत का एक प्रचलित, एक बहुत ही लोकप्रिय विज्ञान था, जिसमें
विद्यार्थियों को उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि उसके लिए बड़े बड़े आचार्य भी होते थे और लेकिन विद्यार्थियों को भी गुरुकुल में इसकी शिक्षा, आरंभिक शिक्षा दी जाती थी। अब हम लोग देखें, इस पूर्व वैदिक काल में वेदों के ज्ञान के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, छंद, शास्त्र, ये सभी कुछ का ज्ञान दिया जाता था। ज्यामिति और खगोल विज्ञान, ज्यामिति खगोल, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान जो अंतरिक्ष का ज्ञान, ये भी प्राचीन काल से भारत में प्रचलित एक बहुत ही प्रसिद्ध और विशिष्ट एक ज्ञान था जिसकी जानकारी विद्यार्थियों को भी दी जाती थी। यद्यपि बहुत बड़े बड़े खगोल शास्त्री हुए हैं लेकिन विद्यार्थियों को भी इसकी आरंभिक जानकारी दी जाती थी। अच्छा, हम लोग देखें उपनिषद साहित्य का भी विकास हुआ इस काल में बहुत अधिक, वेदांगों का तो हुआ ही, उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि दर्शन, न्याय, महाकाव्य, जो महाकाव्य थे उनका अध्ययन भी करवाया जाता था, रामायण महाभारत का, ज्योतिष, भाषा विज्ञान, ये सभी विषय इनका अध्ययन कराया जाता था, विद्यार्थियों के अध्ययन के विषय थे। उसके अलावा हम लोग देखें कि ये जो है चारों वेदों का अध्ययन जो कराने वाले होते थे गुरुकुल में, वो मुख्य तौर पर वो ऋषि होते थे और वेद का पाठ जो है वो ये प्रातः काल किया जाता था और इसके लिए आचार्य कुल को सर्वोत्तम स्थान माना जाता था। अमावस्या को वेद पाठ वर्जित माना जाता है, उस दिन नहीं करना था, निषिद्ध था। और उसके अतिरिक्त हम लोग देखें कि अशुद्धियों को और संदेह को दूर करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया जाता था, किसी प्रकार की गलती ना हो, और अगर अच्छे से पाठ का अध्ययन कराया जाता था, बार बार अभ्यास कराया जाता था और भूलने, ये किसी प्रकार का अगर स्मरण न रहने पर विद्यार्थी का ये बहुत बड़ा दोष माना जाता था, ये उसकी बहुत बड़ी त्रुटि मानी जाती थी। फिर हम लोग देखते हैं बाण भट्ट ने अपने गुरुकुल जीवन का वर्णन किया है अपने अपनी रचनाओं में और उसने बताया है कि कैसे वो गुरुकुल में वो वेद, व्याकरण, मीमांसा आदि की शिक्षा दी जाती थी, वेद, व्याकरण, मीमांसा। और इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि इस युग के अंतिम चरण में वैदिक, यद्यपि प्राचीन काल के अंतिम चरण में वैदिक साहित्य के प्रति रुचि धीरे धीरे समाप्त होती चली गई, समाप्त होती चली गई थी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये महाकाव्यों का अध्ययन होता था, धर्मशास्त्र, क्योंकि उसकी उसमें जो कथाएं हैं वो बहुत रोचक थी, बहुत प्रेरक थी, इसीलिए महाकाव्य जो रामायण महाभारत का अध्ययन होता था और लोकप्रिय था, धर्मशास्त्र का अध्ययन होता था, उसके अलावा खगोल विद्या, व्याकरण, भाषा विज्ञान, मूर्तिकला आदि की शिक्षा दी जाती थी, वैद्य, वैद्यक की शिक्षा भी, मतलब वो वैद्य बनने के लिए जो आरंभिक शिक्षा होती है वैद्यक की शिक्षा भी दी जाती थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तक्षशिला में 18 शिल्पों की भी शिक्षा दी जाती थी, इन सारे विषयों के अतिरिक्त 18 शिल्पों की शिक्षा दी, जिसको आजकल हम लोग क्या कहें, जो यूजीसी के वोकेशनल कोर्स वगैरह होते हैं उसमें तो कई तरह की शिक्षाएं शामिल हैं, यद्यपि सभी सभी विश्वविद्यालयों में नहीं दी जाती हैं, उनका अध्ययन नहीं कराया जाता है, लेकिन इनका है प्रावधान। तो ये हम लोग तक्षशिला में 18 प्रकार के शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी, सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा शिल्प की भी शिक्षा दी जाती थी। वात्स्यायन ने, जो कि गुप्त काल का ये था, वात्स्यायन जिसकी प्रसिद्ध रचना है कामसूत्र, उसने 64 प्रकार के विद्याओं की चर्चा की है, यानी उस समय 64 प्रकार की विद्याएं प्रचलित थी जिनकी शिक्षा विद्यार्थी ग्रहण करते थे, उनमें से कुछ की शिक्षा उनका चयन करके उनका शिक्षा ग्रहण करते थे, और विशिष्ट विशिष्ट कार्यों के लिए भी विशेष अध्ययन की सुविधा थी। अगर कोई विशिष्ट विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे ज्योतिष विज्ञान को, खगोल विज्ञान को, या भाषा विज्ञान में विशिष्टता हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रावधान था। स्मृति, पुराण, उच्च अध्ययन के ये सभी विषय थे, व्याकरण, काव्य, स्मृति, पुराण, दर्शन आदि। और विदेशी पर्यटकों के विवरण में हम लोग, विदेशियों ने जो हमें सूचना दी है कि यहाँ कौन कौन से विषय पाठ्यक्रम में शामिल थे, तो उन्होंने चारों वेदों की चर्चा की है, 6 वेदांग, 4 वेद, 6 वेदांग और 14 विद्याओं, 18 शिल्पों जो कि तक्षशिला में प्रचलित थी, और 64 कलाओं की सूचना दी है। वेनसांग ने, फाइयान ने, अल बरूनी ने, ये जो विदेशी पर्यटक थे
इन लोगों ने इसकी सूचना दी है। चार वेद, छह वेदांग, 14 विद्या विद्याएं, 18 शिल्प और 64 कलाओं की चर्चा की है इन विदेशी पर्यटकों ने। अब हम लोग देखें कि सामान्य तौर पर वातावरण जो गुरुकुल का था वो किस प्रकार का था। अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता था, कठोर अनुशासन में छात्रों को रखा जाता था। सभी वहां किसी प्रकार के ऊंच नीच, अमीर निर्धन और ये संपन्न का कोई भी अंतर नहीं किया जाता था। सभी को एक समान की दिनचर्या का पालन करना पड़ता था वहां। और इसमें ये जो है शिक्षक बहुत ही अनुशासन पर बल देते थे, और अगर अपात्र कोई शिष्य है तो उसे गुरु द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती थी। अगर उस योग्य वो नहीं है तो गुरु द्वारा शिक्षा देने का प्रावधान नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई अपात्र है तो उसे कितनी भी उसके पीछे प्रयत्न करे गुरु, वो निरर्थक होगा प्रयत्न करना। और अंतिम सजा शारीरिक दंड भी दिया जाता था ये शिष्यों को। अगर उदंड छात्र हैं, असंयमी हैं, तो उन्हें शारीरिक दंड, कठोर दंड की भी काफी प्रावधान था। अब हम लोग देखें कि ये शिक्षण अवधि कितनी होती थी, इस संबंध में कोई एक मत नहीं है। जैसे हम लोग गोपथ ब्राह्मण में हम लोग पाते हैं, गोपथ ब्राह्मण उसमें बताया गया है कि 48 वर्ष यानी ये चारों वेदों के लिए 12-12 वर्ष की ये प्रावधान बताया गया है। और मनु ने यद्यपि 3 वेदों के लिए 36 वर्षों का उल्लेख किया है कि 36 वर्ष गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचारी रहकर छात्र या शिष्य विद्या अध्ययन करेंगे। लेकिन कभी कभी विशेष अध्ययन के लिए भी छात्र गुरुकुल के पास जाते थे और वहां 2-1 साल में अध्ययन करके वो लौट आते थे। तो ये थोड़ा सा ये विवादास्पद है कि वास्तव में कितने वर्ष तक गुरुकुल में छात्रों को वो कितने दिनों तक अध्ययन करना पड़ता था। निश्चय ही बहुत लंबा काल है, 36 वर्ष भी बहुत लंबा है, 48 वर्ष भी बहुत लंबा है। और जबकि ब्रह्मचर्य के लिए 25 वर्षों का ही आयु का मतलब अपने जीवन का प्रथम जो 25 वर्ष है उसे ही ये ब्रह्मचर्य के लिए अलॉट किया गया है, क्योंकि ऐसा माना गया है 100 वर्ष अगर जीवन का है तो 25-25 वर्ष चारों आश्रमों को प्रदान किया गया है। तो ये लगता नहीं है कि इस प्रकार का ये 48 और 36 वर्षों का सही में पालन होता होगा। जो भी है, जो हमें मिले हैं, जो जिस प्रकार का इन लोगों ने ये जो गोपथ ब्राह्मण और मनु ने जिस प्रकार निर्धारित किया है उसके आधार पर ये यही सूचना मिलती है हमें। विद्यार्थी 2 प्रकार के होते थे, एक जो कुछ गुरु के आश्रम में रहकर जीवन पर्यंत अपना वो गुरु के आश्रम में ही रहकर निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा और विद्या अध्ययन में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते थे, ऐसे विद्यार्थी भी थे। उन्हें कहा जाता था नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्म निष्ठा से नैष्ठिक हुआ, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का वो पालन करते थे। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते थे जो विद्या अध्ययन करके अपने घर वापस आ जाते थे, और उन्हें कहा जाता था उपकुर्वान कहा जाता था जो विद्या अध्ययन करके आ जाते थे। अब हम लोग देखें कि नैष्ठिक जो थे वो पूरे जीवन पर्यंत वो ब्रह्मचारी रह के वो विवाह भी नहीं करते थे, ना ही वो संन्यास लेते थे, संन्यास भी नहीं लेते थे वो, और वो उसी प्रकार अपना जीवन गुरु निष्ठा में और विद्या अध्ययन करते हुए उसी प्रकार अपने शरीर का त्याग करते थे। तो अब हम लोग देखें पाणिनि ने दो प्रकार के छात्रों का संकेत किया है। एक तो है दंड मानव और दूसरे अंतेवासी। दंड मानव और दूसरे अंतेवासी। दंड मानव छात्र जो होते थे वो जो होते थे शिक्षा प्राप्त करने की प्रारंभिक स्थिति को दंड मानव, उन्हें दंड मानव कहा जाता था। और जब वो अंतेवासी यानी जब वो उत्कृष्ट हो जाते थे, जब वो विद्या अध्ययन करके उत्कृष्ट हो जाते थे उन्हें अंतेवासी कहा जाता था। अच्छा, हम लोग 3 प्रकार के स्नातकों की श्रेणियां पाते हैं। एक हुआ विद्याव्रत स्नातक जो कि उभय इस वर्ग के छात्र सभी नियमों और व्रतों का पालन करते थे, समाज में इनका बहुत उच्च स्थान था। विद्याव्रत स्नातक
सभी प्रकार के वेदों का नियमों का पालन करने वाले। दूसरे स्नातक जो होते थे वो थे विद्या स्नातक, जो वेदों को जिन्होंने कंठस्थ कर लिया है, चारों वेदों को, और उसको करने के बाद व्रत करते थे। उसके बाद तीसरे जो थे वो थे व्रत स्नातक, व्रत स्नातक। और व्रत स्नातक कौन होते थे? जो बिना वेदों को कंठस्थ किए व्रतों का पालन करते थे। वेदों को कंठस्थ यानी स्मरण पूरा पूरा उन्होंने कंठस्थ नहीं किया है, लेकिन ये वेदों का, ये व्रतों का पालन करते थे। व्रत यानी जो भी व्रत, जितने व्रत विधान गुरुकुल में होते थे उनको, उनका वो पालन करते थे। अब हम लोग देखें और एक विशेषता जो इस काल की थी गुरुकुल की, गुरुकुल शिक्षा की, वो थी सामूहिक शिक्षा। सामूहिक शिक्षा, प्रत्येक गुरुकुल में करीब 15 से 20 छात्र होते थे, इससे अधिक नहीं, 15 से 20 छात्र होते थे। और उन्हें काफी, उनकी जांच करने के बाद ही और वो शिष्य लिए जाते थे गुरुओं द्वारा। और गुरुओं का, उनके कुछ गुरु जो थे उनकी प्रसिद्धि को जानकर विद्यार्थी या शिष्य उनके पास जाते थे, उनकी प्रसिद्धि सुन करके उनके पास वो उनके गुरुकुल में शामिल होने जाते थे। और संगठित शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था उस समय नहीं थी, लेकिन शिक्षकों के रहने के कारण, ये प्रख्यात शिक्षकों के होने के कारण शिक्षा के जो प्रसिद्ध स्थल थे वो विकसित होते चले गए। जहाँ गुरु रहते थे वहीं शिक्षा स्थल विकसित होते चले गए। और कुछ राजधानी के नगर भी शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुए थे, और कुछ तीर्थ स्थान जो थे वो भी इस रूप में विकसित हुए, शिक्षा के केंद्रों के रूप में। राजधानी नगर और कुछ तीर्थ स्थल भी शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। जैसे हम लोग कुछ नगरों को हम लोग देखें, कुछ व्यापारिक नगर भी शिक्षा के केंद्र में विकसित हुए, ठीक है, क्योंकि उन्हें आर्थिक सहायता भी ऐसे व्यापारियों द्वारा दी जाती थी, शासकों द्वारा दी जाती थी, संपन्न लोगों द्वारा इन गुरुकुलों को आर्थिक सहायता दी जाती थी। जिसमें जो प्रमुख नगर थे प्राचीन काल के वो थे तक्षशिला, बनारस, धारा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है धारा, उज्जैनी, उज्जैनी ये भी मध्य प्रदेश में, उज्जैनी उत्तर प्रदेश में है, कल्याणी और कन्नौज, कन्नौज मध्य प्रदेश में अभी है। तो ये सभी जो हैं प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र थे। अच्छा, कुछ विशेष अवसर जब होते थे राजा ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उन्हें ग्रामों में बसा देते थे। ये राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को लाकर बसाए जाने की परंपरा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से है, कि वो ला करके शिक्षा के लिए, उसके बाद ये सामान्य धार्मिक क्रियाकलापों के लिए, राजा स्वयं जो जिस प्रकार क्रियाकलापों को, धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए वो ब्राह्मणों को गांव में लाकर बसाने की परंपरा थी। तो ये जो फिर हम लोग पाते हैं कि ऐसे ग्रामों को अग्रहार कहा जाता था, जो जहाँ ब्राह्मणों को लाकर बसाया जाता था। और देश के विभिन्न भागों में ये फैले हुए थे, अग्रहार नगर जो होते थे, अग्रहार जो ग्राम ग्राम होते थे। अब हम लोग देखें कि बौद्ध विहारों में भी, बौद्ध और जैन विहारों में भी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था, सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान था। तो ये लोग हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में कुछ प्रसिद्ध विद्यालय जो होते थे, दक्षिण के कुछ विद्यालयों की का भी उल्लेख मिलता है हमें, जैसे एन्नायेरम, मलकापुरम, विरुमुक्कुदल और सालोद की प्रसिद्ध हैं। एन्नायेरम, एन्नायेरम, मलकापुरम, मलकापुरम, विरुमुक्कुदल, विरुमुक्कुदल और सालोदगी, ये उल्लेखनीय हैं। प्रसिद्ध मंदिर विद्यालय थे ये, मंदिरों में विद्यालय चलते थे, ये धार्मिक स्थलों में। और उसके अलावा हम लोग भोजपत्रों का प्रयोग ये करते थे लिखने के लिए। मौखिक शिक्षा का भी प्रचलन था, मौखिक शिक्षा का ही प्रचलन था जब तक 7वीं शताब्दी में लिखने की प्रणाली नहीं विकसित हुई। उसके बाद हम लोग पाते हैं कि सामान्य तौर पर शिक्षक पाठ को पढ़ता था और विद्यार्थी उसे दोहराते थे, उसे बाद में याद करते थे, स्मरण करते थे, और छात्र आवश्यक पुस्तकों को इस प्रकार वो कंठस्थ कर लेता था, अच्छे से याद कर लेता था सबको। और उसके बाद पाठ को दोहराना भी उसे पड़ता था, और भूल जाने को पाप के समान समझा जाता था, यानी उसे अभ्यास करना है जब तक वो अच्छे से स्मरण न कर ले अपने विषय का, अपने जो भी उसे पाठ पढ़ाया गया है। अब प्राचीन युग में हम लोग देखते हैं साधारण तौर पर
जो शिक्षा देने की व्यवस्था थी वार्तालाप और प्रश्नोत्तर प्रणाली से, वार्तालाप करके गुरु के साथ वार्तालाप, आपस में वार्तालाप करके और प्रश्नोत्तरी के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा क्वेश्चन आयर ये से अब ये अब सीखता था विद्यार्थी। अब हम लोग देखें कि उस समय एक और जो बहुत प्रसिद्ध जो एक प्रणाली थी विज्ञान के लेन देन के लिए, वो थी गोष्ठियां, धार्मिक और विद्वत गोष्ठियां। जैसे अभी हम लोग सेमिनार वगैरह पाते हैं, वाद विवाद और गोष्ठियां होती थी, विद्वानों का जमघट होता था जहां वो किसी विषय पर चर्चा करते थे। ये बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष की परंपरा रही है। तो यहाँ वाद विवाद होते थे, व्याख्यान होते थे, अपनी बातों को कहते थे, अपने विचारों को किसी विषय पर वो सारे विद्वान एक जगह पर एकत्रित होकर तर्क वितर्क करते थे, उसमें एक न्यायकर्ता होता था और ये प्रतियोगिता जो विद्यार्थी के जीवन के प्रमुख अंग होते थे। उसके अलावा फिर हम लोग देखते हैं सभी विषय जो है, ये जो उपलब्ध साधनों से ये जानकारी मिलती है कि एक अध्यापक के अंतर्गत के साथ करीब 15 विद्यार्थी तक होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में हमें करीब 1000 शिक्षकों की सूचना मिलती है, 1000 शिक्षकों की सूचना मिलती है जो। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये जो शिक्षक रात्रि में भी कक्षाएं लेते थे अपनी सुविधा के अनुसार, ऐसी भी सूचना मिलती है, यद्यपि कुछ विद्वानों का कहना है कि ये सही नहीं है। और जो रात्रि में होता था वो सामान्य कुछ कक्षाएं नहीं बल्कि कुछ सामान्य वाद विवाद वगैरह, कुछ वार्तालाप धार्मिक, कुछ वार्तालाप वाद विवाद होते थे। अब हम लोग देखें शिक्षा समाप्ति पर एक आयोजन होता था जिसे समावर्तन कहते हैं, संस्कार में पढ़ोगे उसको तुम लोग। समावर्तन, समावर्तन का जो एक जैसे ब्रह्मचर्य का काल समाप्त हुआ तो विद्यार्थी को अपने गुरुकुल में ही रहकर एक विशेष प्रकार का स्नान कराया जाता था और उसे कहा जाता था कि वो स्नान जो है वो उसके ज्ञान का स्नान है जो उसके ऊपर उड़ेल दिया गया है, गुरु ने उसके ऊपर उड़ेल दिया, ठीक है, और संपूर्ण ज्ञान उसे दे दिया। समावर्तन का विशेष महत्व था उस समय। और समावर्तन, और यहीं से इसी स्नान से स्नातक शब्द आया है। स्नातक शब्द, अभी भी स्नातक जो ग्रेजुएट जो होते हैं उनको स्नातक कहा जाता है, ये शब्द इसी स्नान, समावर्तन के इसी स्नान की विधि से आया है, ठीक है। तो ये उसके बाद गुरु दक्षिणा की भी परंपरा थी। सामान्य तौर पर वो गुरु को कुछ गुरु स्वीकार करते थे, कुछ उसे स्वीकार नहीं भी करते थे, मना भी करते थे। अब हम लोग देखें नारी शिक्षा की क्या, अगर हम लोग एकदम प्राचीन काल में देखें तो नारी शिक्षा जो थी इसका इसका भी उसी प्रकार महत्व था जैसे ये बालकों को जैसे शिक्षा दी जाती थी वैसे ही बालिकाओं को भी, किसी प्रकार के भेद का उल्लेख हम लोग नहीं पाते हैं। ज्ञान और विद्या में भी वो किसी प्रकार से वो कम नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद में ये पता है होगा तुम लोगों को कि ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं का रचना स्त्रियों के द्वारा की गई है। उनमें कई नाम है, लोपा मुद्रा, विश्ववारा, ऐत्रेयी, अपाला, काक्षीवती, घोषा, सिफल आदि। लोपा मुद्रा, विश्ववारा, अत्रेयी, अपाला, काक्षीवती, घोषा, सीफल आदि। इसमें घोषा जो है ये तो ऋग्वैदिक काल की है, इसका बार बार उल्लेख आया है विदत के, विदत तुम लोगों को पढ़ाने के दौरान हम बताए हैं घोषा के बारे में। तो ये सभी जो हैं इन लोगों ने वैदिक मंत्रों की भी रचना की है, ये सारी विदुषियां, विदुषी स्त्रियां जो थी। अब याज्ञवल की पत्नी थी मैत्रेयी, उसके संबंध में हमें वेदा ये उपनिषद में चर्चा मिलती है कि किस प्रकार ये संन्यास लेने के पहले इसने याज्ञवल्क ने अपनी संपत्ति को, अपनी दो उसकी एक और पत्नी थी इनकी, उसमें ये करना चाहा था, विभाजन करना चाहा था संपत्ति का, लेकिन मैत्रेयी ने मना कर दिया था लेने से। उसका कहना था कि क्या मुझे इस संपत्ति से क्या मुझे अमृतत्व प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, और इसीलिए उसने उसे लेने से इनकार कर दिया था। और उसने भी अपना जीवन पूरी तरह से ये आध्यात्म में, आध्यात्म और दर्शन में समर्पित कर दिया था। और इससे ये साबित होता है कि उस समय स्त्रियां भी आध्यात्म, दर्शन और ये के प्रति, क्या कहें, अमृत के प्रति वो भी बहुत विशेष जागरूक थी।
गृह सूत्रों से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि स्त्रियों का उपनयन और समावर्तन संस्कार भी होता था। गृह सूत्रों से, गृह सूत्रों में चर्चा मिलती है उस समय के जितने भी धार्मिक विधि विधान होते थे उनकी, वो बताए गए हैं, और भी जितने संस्कार होते थे। तो वो सारे संस्कार, जैसे ये शिक्षा से संबंधित जो ये मुख्य संस्कार हैं दोनों, उपनयन और समावर्तन, ये दोनों भी गृह सूत्रों का कहना है कि स्त्रियों के लिए भी संपन्न कराया जाता था, ये संस्कार होते थे। और सूत्र युग में पुरुषों की तरह स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। फिर अथर्ववेद में भी हमें कन्या के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम का, ब्रह्मचर्य की अवस्था का पालन करने का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में भी, जो ये अंतिम वेद है चारों वेदों में। और मनु ने भी ये स्पष्ट किया है कि गुरु काल में बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार, यहाँ तक कि मनु ने भी कहा, यदि मनु को ये सारा श्रेय जाता है स्त्रियों पर सारा प्रतिबंध लगाने का, स्वतंत्रता से उन्हें वंचित करने का, सारा श्रेय उसे जाता है, लेकिन उसी का ये कहना है कि पूर्व काल में स्त्रियों को का उपनयन संस्कार संपन्न कराया जाता था और इसी ने वर्जित किया स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार को। पहले उपनयन संस्कार के दौरान गायत्री मंत्र का पाठन बंद कराया गया, उसके बाद उपनयन संस्कार को ही समाप्त कर दिया गया स्त्रियों के लिए, जो कि शिक्षा का प्रवेश द्वार था। और उपनयन संस्कार का ना होना अर्थ है, इसका अर्थ ये हुआ कि स्त्रियों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया गया, क्योंकि शिक्षा में प्रवेश का द्वार था उपनयन संस्कार ही। उसके बाद दो प्रकार की स्त्रियों की हमें सूचना मिलती है इस समय, एक सद्योवधु और दूसरी ब्रह्मवादिनी। सद्योवधु और ब्रह्मवादिनी। सद्योवधु होती थी जो अपने विवाह तक ज्ञान अर्जन करती थी गुरु के पास रहकर, या वो ज्ञान प्राप्त करती थी विवाह तक। और जो ब्रह्मवादिनी होती थी, जीवन पर्यंत वो अपना अपना जीवन पूरा समर्पित वो उन्होंने कर दिया था अध्ययन, दर्शन और आध्यात्म को। जीवन पर्यंत वो अविवाहित रहकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश ना करके वो अपना सारा जीवन वो ब्रह्मचर्य को समर्पित कर देती थी। अच्छा, अब हम लोग देखें स्त्री शिक्षा पर महाकाव्यों में भी चर्चा मिलती है, जैसे कौशल्या और तारा जो रामायण की हैं, ये मंत्रविद थी, यानी मंत्र की विदुषी थी, मंत्रविद। उसके अलावा सीता के संबंध में संध्या पूजन करने का ये मिलता है हमें, उल्लेख मिलता है, संध्या पूजन करती थी। आत्रेय जो थी वो वेदांत का अध्ययन करती थी गुरु वाल्मीकि के आश्रम में, वशिष्ठ के आश्रम में रहकर, वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर। और महाभारत में हम लोग भी इस प्रकार के उल्लेख पाते हैं द्रौपदी द्वारा या अन्य जो स्त्री हैं, स्त्री पात्र हैं उस काल की। अब हम लोग देखते हैं बाद में फिर नारी शिक्षा पर प्रतिबंध आरंभ हो गया, लगना आरंभ हो गया था। लेकिन ये यद्यपि बौद्ध और जैन काल में, और बौद्ध और जैन ये जो संघ थे वहां स्त्रियों का प्रवेश हुआ, और वो भी ज्ञान के शिक्षा के, स्त्रियों के लिए ज्ञान और शिक्षा का द्वार इन दोनों संघों ने भी खोल दिया था अपने काल में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद बौद्ध संघों ने भी। जैसे हम लोग कई बौद्ध स्त्रियों के का उल्लेख, शिक्षित बौद्ध स्त्रियों की चर्चा पाते हैं, जैसे संघमित्रा जो अशोक की पुत्री थी, इसने किस प्रकार श्रीलंका में जाकर बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। उसके अतिरिक्त और भी शुभा, अनुपमा आदि स्त्रियों का भी उल्लेख पाते हैं बौद्ध स्त्रियों का, शुभा, अनुपमा। उसके अलावा हम लोग जैन स्त्रियों का भी उल्लेख पाते हैं, जैसे जयंती, जयंती सहस्त्रानिक, सहस्त्रानिक आदि महिलाएं थी जो जैन शिक्षा की विदुषी थी। अच्छा, ये स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे, कहाँ की जाती थी? सामान्य तौर पर परिवार के अंदर ही इनके लिए गुरुकुल में, यद्यपि कुछ हमें ऐसे स्रोत मिले हैं, कुछ हमें रचनाएं मिली हैं उस काल की प्राचीन समकालीन रचनाएं, जिसमें उल्लेख मिलता है कि ये भी गुरुकुल में जाती थी, जैसे
कुछ है, जैसे मालती माधव है नाटक में, कामंदिकी की शिक्षा केंद्र में, कामंदिकी एक स्वयं एक क्या कहें, एक विदुषी थी जो कि शिक्षा केंद्र का संचालन करती थी। वहां शिष्य और शिष्याएं दोनों के होने का उल्लेख मिलता है कामंदिकी के शिक्षा केंद्र में, कामंदिकी के शिक्षा केंद्र में। उसमें हम लोग पाते हैं कि भूरिवासु और देववर्ता, देववर्ता ये स्त्री थी, दोनों के संग अध्ययन करने की चर्चा का उल्लेख हमें मिलता है। और धर्म सूत्रों के अनुसार लेकिन ये ऐसा उसमें सलाह दी गई है कि इन्हें घर में ही माता पिता या कोई अपना निकट के संबंधी के द्वारा उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार का हमें ये सलाह दी गई है, परामर्श दिया गया है। और सामान्य तौर पर शायद एक सामान्य घरों में, सामान्य परिवारों में स्त्रियों को या फिर बालिकाओं को अपने निकट संबंधियों द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में। यद्यपि हम इससे नहीं इनकार कर सकते हैं कि कुछ शिक्षा केंद्रों में स्त्रियां भी थी, जैसे ही छात्री का उल्लेख किया है, छात्रीशाल का उल्लेख किया है, जहाँ स्त्रियां रहती थी। पाणिनि ने, और पाणिनि का समय है करीब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्य काल के पहले का है, तो उसमें छात्रीशाला का उसने उल्लेख किया है कि लड़कियों के रहने का के लिए आवास होते थे छात्राओं के लिए। यद्यपि आर्टिकल ने इसका विरोध किया है, उसे मानने से इनकार करते हैं, लेकिन ये एक उल्लेख हमें मिलता है पाणिनि की रचना में, जो अपने जो उसने अपना उल्लेख किया है पाणिनि की। उसके अलावा हम लोग पाते हैं वात्स्यायन ने स्त्रियों के लिए 64 कलाओं का उल्लेख किया है। और उसमें उसने अपने क्या कहें, अपने काम सूत्र में, अपनी रचना में उसने उपाध्याय शब्द, उपाध्यायी शब्द, आचार्य शब्द का उल्लेख किया है। आचार्य, उपाध्यायी और उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्यायी, आचार्य, इन शब्दों का प्रयोग उसने किया है। उसके अलावा छात्राओं को उसने अध्येत्री कहा, अध्येत्री के नाम से पुकारा जाता था, अध्येत्री। इससे नारी शिक्षा के वहां पर्याप्त इसका क्या उपस्थिति का हमें संकेत मिलता है प्राचीन काल में। और मनु और याज्ञवल्क, यम आदि स्मृतिकार, इन्होंने फिर स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। मनु, याज्ञवल्क, यम, स्मृतियों की रचना की है इन्होंने। स्मृतियां वो हैं जिन पर हिंदू धर्म अप्रचलित था, उनकी सामाजिक और धार्मिक जितने खास करके सामाजिक नियम जो थे, इन्हीं स्मृतियों ने उनको निर्धारित किया है। ठीक है, तो ये जो है मनु, याज्ञवल्क और यम, इन लोगों ने स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। और उपनयन में वैदिक मंत्रों को पढ़ने से उसकी मनाही की गई, और बाद में उनका उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया गया। और साधारण परिवारों में शिक्षा का प्रसार एक तरह से सामान्य वर्गों में, और सामान्य और निचले वर्ग में स्त्री शिक्षा एक तरह से अवरुद्ध हो गई। पहली शताब्दी के आसपास आते रहते, पहली शताब्दी ईस्वी सन तक आते रहते। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था बाल विवाह, बाल विवाह का प्रचलन आरंभ हो गया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखें अगला जो है सह शिक्षा, को एडुकेशन। थोड़ा सा रुको अभी अजय, थोड़ा इसको हमको खत्म करने दो, ये बस खत्म ही हो रहा है। ये सह शिक्षा जो है, इसका भी विषय जैसे तुम लोगों को बताया कि पाणिनि ने भी इसका उल्लेख किया है, और कामंदिकी के शिक्षा केंद्र का भी हमें उल्लेख मिलता है। तो ये थोड़े बहुत हमें इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, इस तरह के उल्लेख भी मिलते हैं कि सह शिक्षा का प्रचलन उस समय था। जैसे उत्तर रामचरित में भी, भावभूति की जो रचना है उत्तर रामचरित की, उसमें हमें ये उल्लेख मिलता है कि कैसे सह शिक्षा का हमें उल्लेख मिलता है। और उसमें उत्तर रामचरित वो रचना है जिसमें ये क्या कहें, वो सीता का निष्कासन अयोध्या से, उसके बाद वन में उसका रहना, वनवास, और वहां उसके दोनों पुत्रों का जन्म, और दोनों पुत्रों के द्वारा किए गए कार्य, जो उत्तर रामचरित में ये सारा कुछ उल्लेख हमें मिलता है। मुख्य रामायण में नहीं है ये, तो उत्तर रामचरित इसका नाम है। तो जहाँ सीता वनवास के दौरान गई थी, वहां हम लोग देखते हैं कि सह शिक्षा था, ऐत्रेय एक थी,
जो उसके उस गुरुकुल में रहती थी, अन्य शिष्यों के साथ वो भी विद्या अध्ययन कर रही थी, इसका उल्लेख हमें मिलता है। पाणिनि के द्वारा छात्रीशाला का उल्लेख तो किया ही गया है, कामंदकी के भी विद्या के केंद्र का, जहाँ सह शिक्षा प्रचलित थी। उसके बाद राज तरंगिनी से हमें पता चलता है 12वीं शताब्दी तक स्त्रियां जो थी वो संगीत और नृत्य वगैरह में ये काफी रुचि रखती थी, और स्त्रियां धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों का भी अध्ययन करती थी। रामायण महाभारत का भी इनके मुख्य विषय थे। शिल्प कला का ये विशेष इन्हें ज्ञान दिया जाता था। यहाँ तक कि जो राज घराने की, राज परिवार की स्त्रियां थी वो भी शिल्प कला में विशेष पारंगत होती थी। उसके अलावा वो राज प्रशासन, सैनिक शिक्षा तो उन्हें दी ही जाती थी जो राज परिवार की स्त्रियां थी। उसके अलावा कई तरह के शिल्पों की भी उन्हें जानकारी, भाषा की भी जानकारी उन्हें दी जाती थी। उसके अलावा हम लोग देख, संस्कृत और प्राकृत भाषा की विशेष कर जानकारी दी जाती थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी के संबंध में, कादम्बरी में अपनी भविष्यवाणी करने वाली स्त्री का भी उल्लेख किया है। उसके अलावा हम लोग देखें कि बौद्ध शिक्षा पद्धति किस प्रकार की प्रचलित थी। बौद्ध शिक्षा पद्धति वो जो थी, उसमें स्वयं महात्मा बुद्ध ने सामान्य जन भाषा में उन्होंने शिक्षा के लिए, और स्त्रियों को जो उन्होंने अपने यहाँ उनकी माता के अत्यधिक दबाव देने पर उन्होंने स्त्रियों को अपने संघ में शामिल होने की अनुमति दी, वहां भी उनके शिक्षा दीक्षा, उनके प्रशिक्षण बौद्ध शिक्षा, बौद्ध शिक्षा पद्धति, सत्य, दार्शनिक तथ्य, तर्क, पर्यवेक्षण, मनन परीक्षण, ये सब पर मनन परीक्षण की विशेष उसका विशेष प्रचलन था बौद्ध शिक्षा में। मनन करके, चिंतन करके, परीक्षण करके, पर्यवेक्षण करके, यानी स्वयं जांच करके प्रत्येक ज्ञान को स्वीकार करना। ये नहीं कि हमने कह दिया, गुरु ने कह दिया और उसे स्वीकार कर लेना है। पर्यवेक्षण, परीक्षण, मनन, या ये बौद्ध शिक्षा का मूल मंत्र था। और इसके अलावा प्रवज्ञा और उपसंपदा जैसे संस्कार भी इसका आवश्यक माने जाते थे। प्रवज्ञा होता था संघ में प्रवेश के 8 वर्ष के बाद, वो प्रवज्ञा संस्कार संपन्न होता था विद्यार्थी।